दबंगी जो काफी प्यार मिल रहा है लोगों से, अभी भी मैं देख रहा हूँ तो काफी टीआरपी भी मिल रहा है, जी उन्हीं पे सबसे नंबर वन शो है इस समय दबंगी। तो आपका सफर किस तरह से रहा दबंगी के साथ? जी बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। यू नो, पहले मैं डरा करती थी कि यार इतने सारे बच्चे होंगे, इरिटेट करेंगे सेट पे, बट ये सारे बच्चे काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी प्रोफेशनल हैं, और इनके साथ काम करने में ना मेरा जो बचपना है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा उनसे घिरी रहती हूँ। दे ऑलवेज ट्रबल मी अ लिटिल बिट। जो मेरी बेटी बनी है जई, वो तो मेरे पीछे पीछे रहती है, शी इज़ लाइक अ डार्लिंग टू मी। और माही भद्रा जो दबंगी बनी है, शी इज़ अमेजिंग। मतलब इतनी छोटी उम्र के इतनी अच्छी एक्टर मैंने आज तक नहीं देखी। इनफैक्ट हमारे कई बार ना इमोशनल सीन्स होते हैं तो मुझे आंखों में आंसू लाना होता है, मुझे उसके लिए वो प्यार जताना होता है, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्टिंग करने की, क्योंकि वो इतने क्यूटली इतने इनोसेंटली बोल देती ना कि अपने आप वो इमोशन आता है। सो इट्स बिन अमेजिंग, मैं खुद बच्चा बन गई उनके साथ। सबके साथ एक्चुअली, बच्चों के साथ, मानव इज देयर, आमिर है, ये दोनों लड़के पागल हैं। जब भी हमारा एक साथ सीन होता है तो हम हमेशा हंसते और मस्ती करते रहते हैं। देन देयर इज हिमानी जो कस्तूरी बनी है, शी हैज़ दैट प्रॉपर नखरा दिल्ली एटीट्यूड, यू नो, तो उसके यहाँ से खाना बहुत अच्छा आता है। सबके साथ इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है हमें, क्योंकि ये नया शो है, एक नई बॉन्डिंग है हमारी, तो हम सब एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। सो इट्स नाइस। एक माँ का किरदार निभाना बहुत बड़ी बात होती है, कोई आम बात नहीं होती। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस किरदार को लेकर? थोड़ा मुश्किल होता है जब आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं अपने आसपास इतनी माओं को देखती हूँ, खुद की माँ को देखती हूँ, तो इट वॉज ईजी काइंड ऑफ, यहाँ से कुछ ले लिया, वहाँ से कुछ ले लिया टाइप्स। और मैं फ़िलहाल ना एक शो देख रही हूँ स्पेशली टू प्ले अ मदर इन दिस शो, इट्स कॉल्ड गिलमोर गर्ल्स। ये बहुत पुराना शो है, नेटफ्लिक्स पे है, जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक माँ और एक बेटी का रिलेशनशिप है, जो मुझे लगता है एक बेला और जई का रिलेशनशिप है, और वो बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। तो मैं उसको फॉलो करती हूँ ताकि मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिले। अभी भी शो चल रहा है, आज का मैं प्रोमो देख के आया हूँ, कि बच्ची का बर्थडे है और उसी बीच कुछ हो जाता है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए ऑब्वियसली एपिसोड देखना पड़ेगा। बट बेला और अंकुश की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है बिकॉज ऑफ आर्या, और उसका असर हम पे और आपको भी देखेगा एपिसोड में। मैम आपने काफी शो किया हुआ है, अब तक का सबसे बेस्ट किरदार आपका कौन सा है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? यार ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत सारे हैं। आई वुड से सबसे पहले तो खनक, जिसने मुझे इतनी पॉपुलैरिटी दी, जिसने मुझे हिंदी इंडस्ट्री में एक क्या कहते हैं, एक फुटिंग दी। उसके अलावा आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग मृगनैनी, या फिर रिसेंटली मैंने अतरंगी के लिए एक शो किया था, जिसमें एपिसोडिक था, लेकिन आई वॉज प्लेइंग लेस्बियन गर्ल, सो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। खनक, अनडाउटेडली दे कॉल मी खनक। बहुत कम हुआ है कि किसी और किरदार के नाम से बुलाया, आई थिंक खनक काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और जब लोग बोलते हैं इतने सालों बाद तो मुझे अच्छा भी लगता है। आप कितना मिस करते हो जब लोग आपको बुलाते? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरा पहला शो था, बहुत रोमांटिक शो था, एंड आई मिस प्लेइंग समथिंग लाइक दैट, यू नो, एक रोमांटिक कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं कुछ आई थिंक 19-20 साल की रही होंगी जब मैंने रंग बदलती उड़नी किया था, उस वक्त ना रिश्तों की फीलिंग्स की या इमोशंस की उतनी समझ नहीं होती जितना मुझे लगता है आज है। तो शायद मे बी अभी अगर कोई रोमांटिक किरदार मिले तो उसे मैं बेहतर तरीके से निभा पाऊँ। आपने बिग बॉस मराठी भी किया हुआ है, तो अभी बिग बॉस भी चालू है, बिग बॉस 17 जी, तो आप कितना फॉलो कर पा रहे हो इसका? बिल्कुल नहीं, मुझे जितना रील्स पे दिखता है सिर्फ उतना, पर ये मेरी कॉन्शियस चॉइस है। मैंने अभी पिछले साल मराठी बिग बॉस किया है, बाहर आने के बाद मैंने अपना एक भी एपिसोड नहीं देखा है, और शायद ये कॉन्शियस डिटॉक्स है बिग बॉस के साथ, जो
मैं कुछ टाइम तक करूँगी, उसके बाद शायद मैं वापस फॉलो करना शुरू करूँगी, क्योंकि बिग बॉस आपके ऊपर ना एक असर छोड़ता है एंड दैट यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। बिग बॉस में अभी लव एंगल जो चल रहा है इस समय, ईशा का और अभिषेक का, समर्थ का, तो आप किस तरह से देखते हो? यार मैं सच्ची बताऊँ, बिग बॉस में जितना भी होता है ना, उसमें बंदे जो भी कर रहे हैं वो रियल बहुत ही कम होता है, वो हमेशा कैमरे के लिए होता है। चाहे फिर वो अंकिता विकी का झगड़ा हो, मुझे लगता है वो भी कैमरे के लिए है, वो भी बिग बॉस में अपनी एक जगह बनाने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए। सिमिलरली मुझे लगता है ये जो ट्रायंगल है ना, ये भी ऐसा ही है। जी, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट नहीं थी, बल्कि मैं आरजे रह चुकी हूँ। 98.3 मिर्ची पर मैंने अपना मराठी शो शुरू किया था, एंड आई थिंक हिंदी चैनल पे मुंबई में पहला मराठी शो था वो। इट्स बिन अमेजिंग, मुझे हर बार अलग कुछ करने में मज़ा आता है। तो जब मेरे पास गैप था लॉकडाउन के टाइम पे, ऑब्वियसली इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तब मैं ये शो कर रही थी। अलग एक्सपीरियंस था, कुछ सीखने को मिला, अपना जो पुराना एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, भी हम वॉइस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते रहते हैं, तो आई थिंक दैट हेल्प मी इन बिकमिंग एन आरजे। जी, आज की एक खबर आई है बेहद, सीआईडी के जो फील्डी थे उनका निधन हो चुका जी। है दिनेश जी का, तो कुछ दो लाइन बोलना चाहेंगे? बहुत उम्दा कलाकार थे, जब भी वो स्क्रीन पे आते थे हंसी आती थी, तो ऑब्वियसली श्रद्धांजलि देना चाहूँगी उनको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसके साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आज हमें उनकी याद आ रही है क्योंकि आज वो इस दुनिया से चले गए, पर सीआईडी ख़त्म होने के बाद से लेके आज तक क्या किसी ने उन्हें पूछा था, क्या उन्हें याद किया था? दिस इज़ अ हार्श ट्रूथ ऑफ आर मीडिया, आर इंडस्ट्री, कि आपका एक शो ख़त्म हो जाता है तो आप गायब हो जाते हो दुनिया के माइंड से, जब तक आपके साथ कुछ और घटना नहीं घटती तब तक। तो दैट इज़ लिटिल सैडनिंग, बट आई रियली विश कि उन्हें जो करना था ज़िंदगी में वो कर पाए हो और जहाँ भी हो खुश रहे। हाँ, प्लीज मुझे OTT में काम करना है, बिकॉज इतने अच्छे सब्जेक्ट्स, इतने अच्छे शोज आ रहे हैं ना कि ऐसा लगता है यार ये मुझे करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस, आई वॉन्ट टू बी इन दिस प्लेस। सो ऑब्वियसली एज एन एक्टर मेरी चाहत है कि मैं OTT पे जाऊँ और फिल्में भी करूँ साथ में। ओके, मैंने उसके लिए ऑडिशन भी दिया था, ये है इम्तियाज अली का शी। सो जो मेन रोल है जो अदिति पोहनकर कर रही है, मुझे वो करना था इम्तियाज जी। जी, लाल इश्क के बाद अभी एक और मूवी आ रही है, मराठी मूवी, जो मैं UK में शूट करके आई हूँ अभी। आई डोंट नो, ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं कि मुझे ये किरदार, बट आई थिंक चंद्रमुखी फ्रॉम देवदास, सॉरी माधुरी, या माधुरी इज़ माय गॉडेस, तो पहले माफ़ी मांगनी पड़ती है, बट आई थिंक वो किरदार शायद मैं प्ले करना चाहूँगी। You have always loved me, guys. Even when I was not working, you would send gifts on my birthday. You would remember. मेरे ना बहुत loyal ऐसे fans हैं, कम है लेकिन बहुत loyal है। हम सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं, हम सब एक दूसरे पे check करते रहते हैं। अगर मैं कुछ time तक post ना करूँ ना, तो मेरी ये जो fans हैं ये literally मुझे DM करते हैं, Are you okay? Why aren't you posting? Is everything okay in life? तो आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू गाइज फॉर चेकिंग अप ऑन मी अगेन एंड अगेन, फॉर बींग इन माई लाइफ, फॉर बींग इन टच एंड फॉर लविंग मी सो मच। आई लव यू राइट बैक एट यू। बहुत से फैंस होते हैं, कई फैंस तो अतंगी टाइप के होते हैं, जो छोटी छोटी नोटिस चीज करके भेज देते हैं। अच्छा, कोई फैंस मिला, फैन मिला आपको आपके लाइफ? एक फैन मिली है जो अब मेरी दोस्त है, उसका नाम है ऐश्वर्या। मुझे याद है उड़नी के टाइम पे ऐश्वर्या ने मेरे लिए पूरी वेबसाइट बना दी थी मेरे नाम की, यशश्री मसूरकर नाम की, एंड इट वाज अ बिग थिंग।